साथियों नमस्कार। अभी शीतकालीन अवकाश में मैंने 26 से 30 दिसंबर तक दक्षिण पश्चिम राजस्थान के पाली, राजसमंद, सिरोही, जालौर व जोधपुर जिले के वन व ग्रामीण क्षेत्र का भ्रमण किया है। इस भ्रमण से कई रोमांचकारी व विस्मित करने वाले अनुभव मुझे प्राप्त हुए हैं, जिन्हें मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। इस भ्रमण का उद्देश्य अरावली पर्वतमाला व इस क्षेत्र की प्रकृति, पर्यावरण, कृषि, वानिकी, बागवानी कृषि व आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करना था, जिसमें मैं काफ़ी हद तक सफल भी रहा हूँ। इस भ्रमण के लाभकारी वे कुछ नया करने के लिए प्रेरित करने वाले अनुभवों को मैं आगामी दिनों में वीडियो की श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करूँगा, जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। संपूर्ण पाली जिले में परंपरागत खेती के रूप में मेहंदी व अरंडी की खेती की जाती है। मेहंदी व अरंडी की खेती कम पानी वाले शुष्क, अर्ध शुष्क वे अनुपजाऊ भूमि वाले क्षेत्र में आसानी से की जा सकती है। इन फसलों के मॉडल को राज्य के मरुस्थलीय क्षेत्र में अपनाकर वहां की पर्यावरणीय व आर्थिक विषमताओं को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। पाली, जालौर व सिरोही जिलों में बागवानी कृषि का फैलाव मुख्य रूप से नेशनल व स्टेट हाईवेज के दोनों तरफ है, जहाँ अनार, नींबू, नारंगी व अमरूद के बगीचे देखे जा सकते हैं। अरावली पर्वतमाला की अधिकांश नदियाँ पश्चिम दिशा में बहती है, अतः यहाँ हर 5 किलोमीटर पर नदी व नाले देखे जा सकते हैं। यहाँ बहने वाली सभी नदियाँ बरसाती नदियाँ हैं, जो अभी सूखी पड़ी है। इन नदियों के कारण यहाँ का भूजल स्तर काफ़ी ऊंचा है, जिससे यहाँ के कुओं में 30 से 50 फीट पर पानी मिल जाता है। पाली जिले के पूर्व में राजसमंद जिला है, जहाँ प्राकृतिक, वानस्पतिक व जैव विविधता से समृद्ध अरावली पर्वतमाला की मनमोहक छटा देखी जा सकती है। यहाँ पर कुंभलगढ़ क्षेत्र में सीताफल के पौधे जंगली झाड़ियों के रूप में देखे जा सकते हैं, जिन पर अभी सीताफल लगे हुए हैं। इन्हें तोड़कर खाने का अनुभव मेरे लिए बेहद रोमांचकारी रहा। सिरोही ज़िले में मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला, जिससे बात करके मेरे जीने का दृष्टिकोण ही बदल गया। ये वीडियो कुछ ही दिनों में मैं अपलोड करूँगा। इस वीडियो को देखकर आपका भी जीने का अंदाज बदल जाएगा, ऐसा मुझे 100% विश्वास है। 1300 किलोमीटर के इस सफ़र में मैंने बहुत कुछ देखा, जाना, समझा व अनुभव किया है। मेरे अनुभव आपके काम आए, ऐसी मेरी आकांक्षा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।